नमस्कार, स्वागत करता हूं आज के ब्रेकिंग न्यूज को। तो पहले हम नजर डालेंगे हेडलाइंस के ऊपर। तो सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि सूत्रों से पता चलता है कि इंडिया में टिकटॉक आ सकता है वापस। क्या? जी हां दोस्तों, यह सच है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज है अगस्त 19, यानी कि आज हमारे चैनल का एक साल कंप्लीट होता है। अगर सीधा बोला जाए कि आज हमारे चैनल का बर्थडे है। गाइस, ये 2020 अभी वायरस चल रहा है, जैसा कि हमारे रियल लाइफ पर भी एक वायरस चल रहा है और फोन पर भी एक वायरस था जो कि कुछ दिन पहले शायद निकल गया था, लेकिन अभी पूरा डर है कि पूरा चांसेस है वो वायरस फिर से आने का। सही है गाइस, आप टाइटल और थंबनेल देखकर तो जान गए होंगे कि वो वायरस में किसके बारे में बात कर रहा हूं। गाइस, टिकटॉक। तो गाइस, अभी के अपडेट से पता चल रहा है कि टिकटॉक कुछ कंपनीज के साथ कोलैप्स कर रहा है, जिससे कि इसका चांसेस ये फिर से आ सकता है। तो दोस्तों, टिकटॉक बैन होने के बाद कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस आने लगे थे, जैसे कि इंस्टाग्राम ने रील अपना चालू कर दिया था, और जी की अगर बात करें, जी हाँ दोस्तों, वही जी, सास बहू वाला जी, उसने तो गाइस शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए एक अलग सा ही एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। और उसके बाद गाइस रोपोज़ो वगैरह 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 कितने भी एप्लीकेशन आ गए हैं शॉर्ट वीडियोज़ के लिए। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि गाइस समझे जरा, टिकटॉक बैन क्यों हुआ? क्योंकि एक चाइनीज एप्लीकेशन है? जी नहीं, इसका रीज़न ये है कि उस पर कुछ पॉलिसीज खराब थे, उनके अपडेट्स पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ डाटा वाटा बाहर भेजने का काम कर रहे थे, इस तरह के आरोपों पर उसे बैन कर दिया गया। तो यूएस पर ट्रंप जी ने इसको थोड़ी मोहलत दे दी और बोला कि तुझे भाई 19 डेज का टाइम दिया जा रहा है, तू जितना भी तू काला धंधा कर रहा है उन सबको बंद कर दे, तो तू यहाँ पर टिक पाएगा वरना नहीं टिकेगा। और आपको तो पता ही है कि टिकटॉक तो चाइना का ऐप है, और चाइना तो ये मानने की तैयार नहीं कि वो कुछ गलती कर रहा है यार, वो कुछ डाटा वाटा चुरा रहा है टिकटॉक के थ्रू, ये सब मानने को चाइना तैयार नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि वो अपना पॉलिसीज को कभी भी तगड़ा नहीं करेगा, वो अपने पॉलिसीज को कभी स्ट्रांग नहीं करेगा। इस तरह से डाटा चोरी के आरोपों पर उसे भी गाइस यूएस पर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसे ट्रंप ने डायरेक्ट 19 डेज का मोहलत दे दिया है। और गाइस, टिकटॉक बैन भी होता है तो यूएस पर कुछ ऐसे भी कंपनीज है जो कि अभी इसके पीछे लगे हैं इसके साथ कोलैबोरेशन करने का। तो ये सब कौन कौन चाह रहे हैं मैं बता दूं। पहले तो आपको पता ही होगा ट्विटर। गाइस, ट्विटर इस रेस में पहले नंबर पर है, वो पूरा दोस्तों कोशिश कर रहा है कि कैसे टिकटॉक को अपने हाथ में ले। और गाइस, ओरकेल नाम का एक कंपनी है, एक बहुत ही बड़ा कंपनी आपको शायद पता नहीं होगा, वो भी इस रेस पर शामिल है। उसका भी कुछ पार्टनरशिप शायद कुछ शेयर से, वो भी इस टिकटॉक को खरीदना अभी चाह रहा है, इस टिकटॉक को अपने हाथ में लेना चाह रहा है। और गाइस, अभी जो कंपनी इसके पीछे पड़ा है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये सच है गाइस, माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के पीछे पड़ा है कि टिकटॉक को ये अपने हाथ में ले और टिकटॉक को आपने ही चलाए। लेकिन गाइस, अगर सच्ची बात बोला जाए, अगर इस बात पर थोड़ा गौर किया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्निकल कंपनी है जो कि अपने अपडेट्स बनाने में बिजी रहता है, वो एक बिजनेस टाइप का है माइक्रोसॉफ्ट, वो इतना इन सब में ध्यान नहीं देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टिकटॉक को अपने हाथ में लाने का। तो गाइस, ये थी कोलैबोरेशन की बात। अगर हम बोले इंडिया पर गाइस, कुछ दिन से आप सुन रहे होंगे कि पबजी खतरे में है, पबजी भी बैन हो सकता है, लेकिन गाइस ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि पबजी का आप देख सकते होंगे अगर प्ले स्टोर भी, यार सब कुछ हिंदी वगैरह में सब कुछ लिख दिया गया है, मतलब जितना भी प्राइवेसी पॉलिसीज था जिससे कि पबजी को बैन किया जा सकता था, वो सब एकदम स्ट्रांग एकदम मजबूत कर दिया गया है, जिससे कि पबजी का अभी बहुत कम चांसेस है कि इंडिया में ये बैन होगा, और शायद पबजी इंडिया पर बैन नहीं भी हो सकता है। अगर टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक इंडिया पर क्यों बैन हुआ? अभी मैंने बताया कि टिकटॉक चाइनीज ऐप है, इसलिए इंडिया पर बैन नहीं हुआ, उसका रीज़न अलग था। इसका रीज़न ये था कि वो कुछ प्राइवेसी डाटा वगैरह शेयर कर देता था, इस तरह चोरी के आरोपों पर ही, मतलब सीधा सीधा बोले तो चोरी के आरोपों पर ही इसे बैन किया गया है इंडिया पर। गाइस, टिकटॉक को तो मैं खराब नहीं बोलूंगा, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में नहीं था, क्योंकि इसके यूजर गाइस, जो भी आप मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर जितना भी तगड़ा प्रोसेसर क्यों ना हो, जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस इसका क्यों ना, अगर चलाने वाला इसको अच्छा नहीं चला पाएगा, मतलब इसको यूज करना नहीं जानेगा, इसका अपडेट वगैरह नहीं करेगा, तो डेफिनेटली कंप्यूटर आपको खराब आउटपुट देगा। और मैं सीधा सीधा ये बोलना चाहता हूँ कि टिकटॉक के जो यूजर थे, और वही यूजर ही सबको टिकटॉक बुरा है बोलने पर मजबूर कर रहे थे। अगर गाइस बिजनेस व्यू पर हम देखें, टिकटॉक एक बहुत ही तगड़ा सा प्लेटफॉर्म था, मतलब बहुत कम दिनों में ये बहुत ग्रो कर गया। और अगर गाइस इंडिया पर हम इसके एक्टिव यूजर्स कितने थे इसके बात करें, तो 44% एक्टिव यूजर थे, 44% टिकटॉक के एक्टिव यूजर्स इंडिया पर से ही थे,
मतलब गाइस 60 मिलियन के आसपास एक्टिव यूजर्स टिकटॉक के पास इंडिया में थे। और गाइस कोलैबोरेशंस की बात करें इंडिया पर, तो इंडिया पर हमारे अंबानी जी मतलब रिलायंस कंपनी इसके साथ कोलैब्स करना चाहता है। अगर गाइस ऐसा हो जाए तो फिर टिकटॉक तो आ ही जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि टिकटॉक जैसा था वैसा आ जाएगा, नहीं, इसका बहुत सारे पॉलिसी स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसका गाइस लोगो जो भी था या फिर नाम जो भी था, जैसे टिकटॉक था तो कुछ बदल के और हो जाएगा नाम, या फिर इसका लोगो वोगो वगैरह वगैरह चेंज होकर, लेकिन टिकटॉक आ ही जाएगा अगर रिलायंस इसके साथ कोलैबोरेशन करने में सक्सेस होता है। अगर गाइस यूएस की बात करें तो यूएस पर इतने सारे कंपनीज लगे हुए हैं, उसके बाद ट्रंप ने 19 डे का मोहलत दे दिया है कि प्राइवेसी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करने का, तो ये बहुत कम चांसेस होता है कि टिकटॉक बैन होगा यूएस पर। अगर गाइस इंडिया पर टिकटॉक्स की बात करें, जबकि पास स्मार्टफोन्स था वो कॉन्टेंट्स अपलोड करने लग रहे थे। गाइस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कॉन्टेंट जो लोग अपलोड कर रहे थे वो लोग सही थे, लेकिन आगे कुछ यार कुछ भी कर रहे हो, वीडियो बनाओ अपलोड करो, इसको हम कॉन्टेंट नहीं बोलेंगे। इसलिए एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, आपको पता ही है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो कि अभी थम चुका है। तो कोई बात नहीं गाइस, टिकटॉक फिर से आने का बहुत चांस बनता है, क्योंकि इसके साथ रिलायंस कंपनी कोलैबोरेशन कर रहा है। और यूएस की बात करें तो यूएस पर इतने इतने बड़े कंपनी इसके साथ लगे हुए हैं, और उसके साथ ट्रंप ने उन्हें 19 डे का मोहलत दिया है अपने पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करने का। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, जो होगा गाइस अच्छा होगा, मोदी जी हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो। अगर ये सब आपको लगा है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खास करके टिकटॉकर के पास तो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली यार सब्सक्राइब कर दो ना यार, वो वाला चीज़ क्यों नहीं करते हो आप। ठीक है गाइस, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।